हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेमिंग एक्सपीरियंस। आज मैं बात करने वाला हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी के बारे में, जो कि अवेलेबल था एंड्रॉइड पर। कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना किसे पसंद नहीं है? आपको, मुझे, सबको पसंद है, चाहे वो पीसी हो, कंसोल हो या फिर मोबाइल पर। कॉल ऑफ ड्यूटी एंड्रॉइड पर भी आया था, लेकिन अभी वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। उसे प्ले स्टोर पर से निकाल दिया गया है। उसे कॉल ऑफ ड्यूटी की टीम ने प्ले स्टोर से निकाला है, क्योंकि उसे अपडेट करने में शायद प्रॉब्लम हो रही थी। वो मार्शमेलो और नोगट और ओरियो के ओएस पे प्रॉपरली काम नहीं करता था। सब लोगों ने इसे डाउनलोड किया है, खेला और बहुत ज्यादा पसंद भी किया है। इसे कोई भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आजकल तो ये बहुत सारे वेबसाइट से अवेलेबल है, बट प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो नया ओएस है एंड्रॉइड्स का, उस पे ये चलता नहीं है। तो यार, जिसके पास मार्शमेलो से पुराना ओएस है, उनके पास ये प्रॉपरली काम कर लेगा, और जिनके पास मार्शमेलो, नोगट या ओरियो था, उनके पास ये नहीं चलता था, बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ, और न्यू एंड्रॉइड वर्जन में ये कैसे काम करेगा ये बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये उसी का गेम प्ले है, और मेरे पास एंड्रॉइड ओरियो है, तो मेरे पास ये प्रॉपरली काम कर रहा है। तो यार, वीडियो पूरा देख लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि गेम कैसे चलेगा। तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस गेम का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनको इंस्टॉलेशन प्रोसेस पता है उनके लिए तो बहुत अच्छा है यार, लेकिन जिसको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊँगा कि जिसके पास एंड्रॉइड का नया वर्जन है, उनके पास वो कैसे काम करेगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे कोई भी ब्राउज़र से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसे यूसी ब्राउज़र से डाउनलोड किया है। हाँ, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, ये एक 7-zip फाइल में होगा। मैंने इसको कंप्रेस करने के लिए बहुत ट्राई किया यार, लेकिन ये कंप्रेस नहीं हो रहा था, क्योंकि ये बहुत पुराना फाइल था। शायद इसीलिए ये प्रॉपरली कंप्रेस नहीं हो रहा था। और अगर मैं इसे पार्ट्स में बांट देता तो शायद ये काम करता नहीं करता, मुझे पता नहीं, इसीलिए मैंने इसे पार्ट्स में भी नहीं बांटा। तो आपको इस गेम को डायरेक्ट ऐसे ही डाउनलोड करना पड़ेगा। ये आपको नियरली 900 MB का पड़ेगा, तो चलेगा ना यार। वैसे भी हमें जियो 1.5 GB देता है, तो 900 MB एक दिन यूज़ करेंगे तो कल दोबारा आ जाएगा, कोई बात नहीं। बट उसके बजाय हमें कॉल ऑफ ड्यूटी तो मिल जाएगा। और हाँ, मैं आपको ZRZR का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अनजिप कर सकते हैं। तो चलिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको ZRZR ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैंने इसे यूसी ब्राउजर से डाउनलोड किया है, तो वो यूसी डाउनलोड्स के अंदर आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी का एक जिप फाइल है, उसे हम क्लिक करेंगे तो हमें एक ऑप्शन आएगा एक्सट्रैक्ट हियर का। एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कर दीजिए, ये कुछ टाइम लगाएगा और एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ताकि ये जल्दी से एक्सट्रैक्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है, और यहाँ पर एक कॉल ऑफ ड्यूटी का फोल्डर आ गया है। तो चलिए देखते हैं इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना फाइल मैनेजर ओपन किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी का फोल्डर है। आपको इस फर्स्ट फोल्डर को एंड्रॉइड में मूव करना पड़ेगा, इंटरनल स्टोरेज एंड्रॉइड एंड OBB के अंदर। और यहाँ पे जो दूसरा फाइल आया था हमें इसके साथ, उसे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं उसे जल्दी से इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये इंस्टॉल होने के लिए कुछ थोड़ा सा टाइम लगाएगा, आप कुछ देर वेट कर लीजिए। तो हमारी फाइल यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है, चलिए इसे ऑन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा गेम यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये बहुत सारे फोन पे इंटरनेट ऑन रखने के लिए पूछता है। अगर ये आपको इंटरनेट ऑन रखने के लिए पूछेगा, तो आप फर्स्ट टाइम इंटरनेट ऑन रख लीजिए, और नेक्स्ट टाइम से आप अपना इंटरनेट ऑफ रख सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम फाइल वेरीफाई करने के लिए इंटरनेट ऑन रखने की परमिशन मांगेगा। चलिए इसे ओपन करते हैं। देखिए, मैंने इसे ओपन किया और ये फिर से क्रैश हो गया। यही प्रॉब्लम आ रहा था मार्शमेलो और ओरियो यूजर्स में। तो चलिए देखते हैं इसे ठीक कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पास भी अगर ये गेम क्रैश होता है, तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, अपने प्ले स्टोर को डिजेबल करना है। जब भी आप ये गेम प्ले करेंगे, आपको अपने प्ले स्टोर को डिजेबल करना पड़ेगा, तभी ये प्रॉपरली काम करेगा। आप यहाँ से भी डिजेबल कर सकते हैं, या फिर आप सेटिंग्स के अंदर जाकर, ऐप्स के अंदर जाकर अपना प्ले स्टोर को डिजेबल कर सकते हैं। तो मैं अपना प्ले स्टोर डिजेबल कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये गेम काम करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं यहाँ से अपना प्ले स्टोर डिजेबल कर देता हूँ। तो चलिए अभी गेम ऑन करके देखते हैं कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, हमारा गेम परफेक्टली चल रहा है, हमने प्ले स्टोर डिजेबल कर दिया था। आई होप कि आपके पास भी ये गेम चल जाएगा। अगर नहीं चलता है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, और इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करना यार। वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि जो भी कॉल ऑफ ड्यूटी के फैंस हैं, उन सबको ये गेम मिलना चाहिए। और आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।